हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे जितने भी क्वेश्चंस अब तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले 1 मार्क का लिया है, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स एंड लास्ट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें यदि आप 100% अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं। तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आगे के मैं कंटिन्यूसली सारे वीडियोस में बनाऊंगा सारे चैप्टर पे, और आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। अलजेब्रा का वेटेज है 20 मार्क्स, जिसमें से पॉलिनोमियल हो चुका और ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे आने वाले लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी हम लोग करेंगे। जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं इस बार, उसमें आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। इसमें एक्सरसाइज 3.5 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें इसको सॉल्व करना था फाइंड इट बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये सब अभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले को स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y = 0 एंड y = -5 हैव। एक इक्वेशन है y = 0, दूसरा है y = -5। इसका मतलब क्या है कि y 0 होगा एक चाहे आप कुछ भी रखें, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बनाया जिसमें y की वैल्यू मैंने 0 रख दी और x की वैल्यू 0, 1 रख दिया है। इस हिसाब से जो हमारा x एंड y कोऑर्डिनेट का पेयर बनता है वो 0, 0 एंड 1, 0 बनता है। तो 0, 0 यहाँ पे आएगा और 1, 0 यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप ड्रॉ करेंगे तो रेड कलर वाली लाइन बनेगी, जो कि इनफैक्ट एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। दूसरा है y = -5। इसका मतलब कि x चाहे आप जो भी रखें y हमेशा -5 ही रहेगा। इस तरह से हमने 0 और 1 रखा x की जगह पे, तो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 0 और -5 एंड 1, -5, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और -5 आएगा इस पॉइंट पे और 1 और -5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये ब्लू कलर वाली लाइन आपको मिलेगी। तो इनफैक्ट आप देख रहे हैं कितने सॉल्यूशन होंगे, कहीं पे ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो नील सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ax प्लस by इज इक्वल टू a² - b² एंड bx + ay = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। यहाँ पे हमें गिवन है ax + by = a² - b² और दूसरा इक्वेशन गिवन है bx + ay = 0। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे ax + bx आएगा और x कॉमन ले लेंगे तो a + b हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो a + b यहाँ पे भी आ जाएगा = a² - b² और इसको आप लिख सकते हैं a + b (a - b). अब दोनों साइड से आप a + b कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा x + y और a + b (a - b). आप a + b को कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह से x + y = a - b आएगा। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x - 3y = 9 एंड 2x + ky = 11 हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन के नो सॉल्यूशन कब होते हैं, जब वो आपस में पैरेलल होते हैं। इस तरह से कंडीशन में बनता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो कोफिशियंट है 4/2 = दूसरे का है -3/k =
9/11। तो k की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को यूज करके मैं कर रहा हूं, k इक्वल्स हो जाएगा -3 × 2/4, 2 × 2 = 4। k की वैल्यू आ रही है -3/2। और k क्या नहीं होगा, इन दोनों को यूज कर देते हैं, तो -3/k इज नॉट इक्वल टू 9/11। ठीक है, दिस इंप्लाइज k इज नॉट इक्वल टू -3 × 11/9। 3 × 3 = 9, -11/3। k की वैल्यू ये नहीं होगी और ये होगी। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x + y = 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे इक्वेशन है x + y = 10, तो हम लिख सकते हैं y = 10 - x। एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x की जगह पे यदि मैं 10 रखूं तो y आएगा 0, और x की जगह 0 रखूं तो y आएगा 10। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। तो 10 और 0 कहाँ पे होगा, मान लीजिए ये 10 है और 0, और दूसरा है 0 और 10, इसको हमने लिया था 10 0, और इसको लिया था 0, 10। अब हमें क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है इस लाइन का और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का, दैट मीन्स ये वाला एरिया। और ये एरिया कितना होगा, यहाँ पे है 90 डिग्री। तो एक्चुअल में ट्रायंगल बन रहा है, इसको आप ले सकते हैं ओ ए बी, जिसमें बेस ओ बी की लेंथ कितनी है 10 यूनिट। तो एरिया हो जाएगा हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, 2 × 5 = 10, 50 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया हो जाएगा। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट वो इक्वेशन होते हैं जिनके सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, जैसे जो लाइन इंटरसेक्ट करे उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है, या दो लाइन को इंसिडेंस हो जाए तो भी सॉल्यूशन मिलते हैं। यदि लाइंस पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, और को इंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है आपका 3x + 2y = 8 एंड 6x - 4y = 9। हमें चेक करना है, तो आप देख लीजिए इसमें a1/a2 है 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 2/-4 विच इज इक्वल टू -1/2। यही समय पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अब c1/c2 भी चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8/9, जो कि इनफैक्ट ये भी इक्वल नहीं है, इनफैक्ट ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, तो ये कंसिस्टेंट होगा। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x - 2y + 2 = 0 एंड 3/2x - y + 3 = 0 इज कंसिस्टेंट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस मीट द वाई एक्सिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, और y इक्वल टू आएगा इसमें 3x + 2/2, और यहाँ पे हम टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिसमें यदि मैं x = 0 रखूँ तो y आएगा 1। ये आप चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए फास्ट जा रहा हूँ। x = -2 रखेंगे तो y आएगा 2, इससे हमारा पेयर बन रहा है 0, 1, और दूसरा है -2 और 2। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, रेड वाली लाइन, यहाँ पे x = 0 और 1 ये वाला पॉइंट है, और x = -2 और 2 वाला पॉइंट यहाँ पे है।
दूसरी लाइन से हम y की वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं, जिससे आएगा 3/2 टाइम्स x प्लस 2। यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 3 आएगा और निगेटिव रखेंगे तो 0 आएगा, जिससे ऑर्डर पेयर बनेगा 0 3 निगेटिव 2 0। 0 3 दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे है और निगेटिव 2 0 आपका आएगा यहाँ पे। यदि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। हमें ये बोला गया है ग्राफिकली चेक करने के लिए, तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। यदि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हमें ये दिखाना होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ऐसा भी करके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है y एक्सिस पे कहाँ पे मिलेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन मीट y एक्सिस। तो पहला वाला जहाँ पे x एक्सिस को मीट करते हैं वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं y इक्वल टू 0 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 3x + 2 = 0 एंड x की वैल्यू निकल जाएगी -2/3। ठीक है, दूसरे से आएगा y इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो ये आएगा 3x/2 + 3 = 0 यानी 3x/2 = -3 और 3 3 कैंसिल कर सकते हैं तो ये -1 आएगा यहाँ पे और x = -2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2y = 4x - 6 एंड 2x = y + 3 एंड डिटरमिन वेदर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। तो इसके लिए अगेन y इज इक्वल टू x के टर्म में लिख लेंगे दोनों का, और फिर x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए y का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट का मैं कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y आएगा -3, x की 2 रखूँगा तो y आएगा 3। इस तरह से ऑर्डर पेयर बन रहा है 0 - 3 - 2 - 3। इन कोऑर्डिनेट्स को हम ड्रॉ करके लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 और -3 यहाँ पे आएगा, दूसरा आएगा x = 2 and 3, 2 और 3 का पॉइंट यहाँ पे आएगा, और यदि आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये रेड कलर लाइन मिलेगी आपको। ओके, दूसरा इक्वेशन दिया है हमारा 2x = y + 3। यहाँ से यदि y आप कंप्यूट करेंगे तो 2x - 3 ही आएगा। एक्चुअल में आप देख रहे हैं ये दोनों सेम ही लाइन है, दैट मीन्स यदि इसको आप ड्रॉ करेंगे तो एक को इंसिडेंट लाइन मिलेगी जो इसी पे होगी। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हमसे पूछा गया था डिटरमिन वेदर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, नहीं यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट से a² / x = b² / y और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं तो आएगा a² y = b² x। इससे आप x की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, x = a² y / b². इस वैल्यू को आप सेकंड में हम पुट करेंगे, x की जगह पर लिखेंगे a² y / b², तो ये चला जाएगा ऊपर यहाँ पे, प्लस y ये वाला लिखेंगे b² a / y = a + b। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a² से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा b³y + b² a / y = a + b। अब यहाँ से आप b² / y कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे बचेगा b + a = a + b। एक्चुअल में b + a और a + b सेम ही होता है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, दैट मीन्स b² / y = 1। दिस इम्प्लाइज y = b².
अब यहाँ से y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइम्स y, दैट मीन्स बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होके आएगा ए स्क्वायर, इट मीन्स x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इक्वल्स बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमें इसको x एंड y के लिए। तो यहाँ पे एक एजम्पशन में ले लेता हूँ कि 1 बाई एक्स प्लस वाई को मैं ले लेता हूँ u और 1 बाई एक्स माइनस वाई को ले लेता हूँ v। इससे क्या होगा कि फ्रैक्शन हट जाएगा इसमें से। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा 10u प्लस 2v इक्वल्स 4 और दूसरा बन जाएगा 15u माइनस 5v इक्वल्स निगेटिव 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। कोफिशियंट को यदि मैं इक्वेट कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे? यदि मैं सेकंड में 10 बाई 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड इक्वेशन में 10 बाई 15 से मल्टीप्लाई करें, तो 15 और 15 कैंसिल होकर 10 बचेगा। तो इसको हम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट को करते हैं तो मिलेगा 10u माइनस, ये हो जाएगा 10 बाई 3 टाइम्स v इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो आएगा माइनस 20 अपॉन 50। अब यदि इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 4 20, तो निगेटिव 4/3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब आप इक्वेशन 1 एंड 3 को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको u वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2v प्लस 10 बाई 3v इक्वल्स 4 प्लस 4/3। यहाँ से v कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 बाई 3 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं 4 3 12 प्लस 4 16/3 और इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 3 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 16/3। दोनों साइड में 16/3 ये कैंसिल कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज v इक्वल्स 1। जब v 1 के इक्वल है तो किसी भी इक्वेशन में आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यदि मैं फर्स्ट में पुट करूं तो आएगा 10u प्लस 2 v की जगह पर 1 है इक्वल्स 4, दैट मीन्स 10u इक्वल्स 4 माइनस 2 2, u इक्वल्स 2/10 दैट इज 1/5। अब हमने u को क्या एज्यूम किया था, 1/x + y इक्वल्स 1/5, दिस इम्प्लाइज x + y इक्वल्स 5। ये है चौथा इक्वेशन और v इक्वल्स 1 मिला है। v इक्वल्स 1 का मतलब हो गया 1/x - y इक्वल्स 1, इसका मतलब हो गया x - y इक्वल्स 1। ये है फिफ्थ इक्वेशन। इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो 2x इक्वल्स 6 मिलेगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स 3 और x जब 3 हो गया तो 3 प्लस 2 इक्वल्स 5 यानी y इक्वल्स 2 हो गया। तो x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 2, ये हमारा x एंड y की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें x एंड y के लिए सॉल्व करना है। 141x प्लस 93y इज इक्वल टू 189, फिर 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45। यदि आप देखें कि x के कोफिशियंट ऐड करने के बाद और y के कोफिशियंट ऐड करने के बाद सेम ही आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे 234 है, यदि मैं डायरेक्टली इसको ऐड करूँ तो 234x प्लस 234y इज इक्वल टू, इनको भी ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद ये आएगा 234। तो आप देख रहे हैं 234 से दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए, ये 1 ये 2 ओके। अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 141 से 93 तो ये आता है आपका 48x माइनस 48y इज इक्वल टू 144। अब दोनों साइड 48 से आप डिवाइड कर दीजिए
आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x इक्वल्स 4, दैट मीन्स x इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1, 2 माइनस 1, माइनस 1 आ जाएगा, y इक्वल्स निगेटिव 1। इसी क्वेश्चन के बेस पे दो और क्वेश्चन है जिसमें कोफिशियंट्स को ऐड करने पे सेम ही नंबर आ रहे हैं, यहाँ भी सेम है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, दो जो 2014 और 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें ए बी के टर्म में कोफिशियंट होते हैं, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकली इसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले रहा हूँ। फर्स्ट से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो x आ जाएगा 2ab माइनस वाई। अब मैं इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दूँगा, तो b बाई ए टाइम्स 2ab माइनस वाई प्लस ए बाई बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का एक्सप्रेशन देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ फैक्टर ऐसा आएगा जो कट जाएगा, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी बाई ए में 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2b स्क्वायर माइनस बी वाई बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, मैं पॉजिटिव वाले को पहले लिख रहा हूँ, ए वाई बाई बी माइनस बी वाई बाई ए और 2b स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेकर मैं जा रहा हूँ, तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, जिससे मिलेगा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम लेंगे यदि, तो डिनोमिनेटर में ए भी आएगा और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आप यदि वाई कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा अभी एंड वाई इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे y की जगह पे हम a भी रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी विच इज इक्वल टू ए बी, यानी x और y दोनों के वैल्यू ab ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये तीन क्वेश्चन हैं, इसमें से एक मैं कर देता हूँ आपको। पहला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। इसमें एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेटर है कि इसको यदि मैं 1 इक्वेशन इसको 2 मानूं तो 2 माइनस 1 आप कर दें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 माइनस 3 2x और ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हम किसी भी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट में यदि मैं पुट करूं तो 3 टाइम्स 3 दैट मीन्स 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें x और y के लिए सॉल्व करना है इसको। इस तरह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, तो इसमें आप इसको फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं और इस इक्वेशन को सेकंड। फर्स्ट से आपको क्या मिल रहा है, बी एक्स इक्वल्स ए वाई मिल रहा है आपको, है ना। तो इसमें बी एक्स वाले टर्म तो है नहीं, तो आप एक्स ही एज्यूम कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी। अब एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा ए स्क्वायर वाई बाई बी
प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा बी, और पहला सेम हो जाएगा, दूसरे में आ जाएगा बी स्क्वायर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में y कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड में है, कैंसिल कर लीजिए इनको और आप लिख सकते हैं y बाई बी इक्वल्स वन, दैट मीन्स y इज इक्वल टू बी। अब x कंप्यूट करना है हमें, तो x पता है एक्स इज इक्वल टू क्या था, ए वाई बाई बी, वाई की जगह पे आप बी रख दीजिए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आएगा ए, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी इसके सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी और एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू, वेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले इक्वेशन में मैं ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, इसमें मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ए टाइम्स बी से, ठीक है। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन थर्ड ले सकता हूँ, क्योंकि पहले को हम वन एज्यूम कर सकते हैं, दूसरे को टू एज्यूम कर सकते हैं। दूसरे इक्वेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो सारे हट जाएं। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा हमें बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप काम कर सकते हैं कि b से मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट थ्री में, इसमें यदि b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप यहाँ पे x को रिमूव कर सकते हैं, ओके, तो इससे हो जाएगा ये बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब्ड, ओके, ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा वाई कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा और माइनस ए बी क्यूब बचेगा, ओके। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फैक्टर कर सकते हैं हम इसको, यदि मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ इनमें से तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ओके, और आप देख रहे हैं दोनों साइड में है ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा कैंसिल, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके। अब वाई है बी स्क्वायर के इक्वल, तो हम किसी में भी वैल्यू पुट करके अब फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन है आपका इसमें पुट कर लीजिए, थर्ड वाले में, ठीक है, या फोर्थ वाले में पुट कर लीजिए, तो मैं फोर्थ वाले में ही पुट करके चेक करता हूँ, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, मतलब ए स्क्वायर वाई की वैल्यू है बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों साइड से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपको मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर और बी वाई की वैल्यू बी स्क्वायर आ चुकी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। पहले नंबर को यदि आप एक्स और दूसरे को वाई ले लेते हैं तो ये है 75 और इनका डिफरेंस गिवन है 15, इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 90, एक्स इज इक्वल टू 45, और यदि आप वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस
30, ठीक है। इस तरह से आसान है क्वेश्चन काफी, ये 3 मार्क में है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड पी। यहाँ पे अल्फा और बीटा कर लिया है, कोई इशू नहीं है, हम इसको ए एंड पी कर लेते हैं। ओके, ए एंड पी फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब होते हैं जब दो लाइंस को इंसिडेंट लाइन हो, ठीक है। तो ये कब होता है, इसी कंडीशन को हमें यहाँ पे लिखना है। तो a1 by a2 क्या हो जाएगा, 2 by a is equal to 3 by a plus b is equal to 7 by 28, ओके। 7 by 28 को आप लिख सकते हैं, 1 by 4 भी लिख सकते हैं इसको, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। यदि आप 2 by a को इक्वेट करते हैं 1 by 4 से, तो इसमें आप लिख सकते हैं 2 by a is equal to 1 by 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें a की वैल्यू 8 आ जाएगी, ओके। अब आपको इसमें ये रख दीजिए a की वैल्यू, यानी 8 plus b is equal to 1 by 4 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज 8 plus b is equal to 12, यानी p is equal to 12 minus 8 which is equal to 4, ए की वैल्यू 8 आएगी, पी की वैल्यू 4 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन अर्न्स 600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ, 1/10 ऑफ मैन्स सैलरी एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी अमाउंट्स टू 1500 व्हिच इज सेव्ड एवरी मंथ, फाइंड देयर इनकम्स। यदि मैन का इनकम मैं एक्स एज्यूम कर लूं और मैन का और वाइफ का वाई एज्यूम कर लूं, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई ये गिवन है 600, ओके। दूसरे वे में आप बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 600 प्लस वाई गिवन है। दूसरे स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि 1/10 ऑफ मैन सैलरी, यानी एक्स अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1500। यह है इक्वेशन 2, यह है इक्वेशन 1 में जूम कर लीजिए। यहाँ पे x की जगह पे 600 प्लस y यदि आप पुट कर लेंगे तो y के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा, और इससे हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप 10 से रिवर करेंगे तो 60 प्लस y बाई 10 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1500। फर्दर 60 को राइट हैंड साइड में यदि लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1440, और लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप y कॉमन लें तो 1 by 10 प्लस 1 by 6 आ रहा है यहाँ पे। फिर आप इसको लिख लीजिए, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, 6 5 जा ये, ठीक है। तो इस तरह से y हो जाएगा 1440 टाइम्स 30 अपॉन 538, ओके। 8 से यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो 8 बन जा 8, 680, ठीक है। और इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 से, और 5400 आ जाए, ओके। ये है वाइफ का इनकम, और मैन का इनकम कितना है 600 ज़्यादा है, तो इसमें 600 ऐड कर दीजिए, यानी 6000 रुपीज मंथली इनकम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 8 एंड फाइंड द नंबर। तो इसके लिए स्टैंडर्ड तरीका है, नंबर रिज्यूम कर लीजिए, कोई नंबर है क्या, मान लीजिए नंबर है एक्स वाई, ठीक है, ये डिजिट है उसके, तो सम ऑफ डिजिट हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये है इक्वेशन 1, ओके। यदि आप डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो
पहले वाले डिजिट और नए वाले में डिफरेंस कितना है 18, तो इससे जो डिजिट बनने वाला है वो क्या होगा 10x प्लस वाई, क्योंकि वंस प्लेस पे वाई है और टेंस प्लेस पे एक्स है। यदि इसको रिवर्स करेंगे तो डिजिट बनेगा वाई एक्स, इस केस में हो जाएगा डिजिट 10y प्लस एक्स ये नंबर, और इसका डिफरेंस दिया है 18। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, दैट मीन्स 9 से आप डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये है इक्वेशन 2। अब 1 और 2 में यदि आप दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 दैट इज 10, एक्स इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3। इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। अ टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, लेस देन द गिवन नंबर फाइंड द नंबर। ये नंबर है जिसमें दो डिजिट है, मान लीजिए x एंड y, 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट है। तो पहले नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये नंबर होगा जो 7 टाइम्स है इसके डिजिट के सम के। पहला इक्वेशन इससे मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, ये आएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y, 7x को लेफ्ट में लाएंगे तो आएगा 3x और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 6y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 ऐसा हमें मिल रहा है। और ठीक है, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। दूसरे से हमें क्या मिल रहा है, यदि हम रिवर्स कर लेते हैं तो डिफरेंस 18 हो जाता है। तो अगेन पहले जैसे ही 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 18, जिससे आपको मिलेगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को यदि आप सॉल्व करते हैं तो आप बेटर है इसको 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्या करेंगे इसको एक्स इज इक्वल टू 2y, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 निकलेगा, और x क्या है 2 टाइम्स y है, दैट मीन्स 4 निकलेगा। तो गिवन नंबर क्या है, नंबर है 10x प्लस वाई, x की जगह पे आप 4 रखेंगे तो आएगा 40 प्लस 2 दैट इज 42, तो नंबर हमारा 42 है। इस तरह का एक क्वेश्चन सिमिलर आया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2014 में आया है ये, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता देवी वांट्स टू मेक अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑन द रोड साइड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स, द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी डिक्रीज्ड बाई 3 square feet इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाई 2 feet एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 1 feet। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है जिसमें लेंथ दिया है x और ब्रेथ दिया है y, ऐसा मैं ज़ूम कर लेता हूँ। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको a1 से मैं लिखूँ तो x टाइम्स y, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एरिया डिक्रीज कब हो रहा है 3 square feet से, जब लेंथ को आप डिक्रीज कर रहे हैं 2 feet, मतलब लेंथ को डिक्रीज करना मतलब 2 feet से डिक्रीज कर रहे हैं, और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 1 feet से, तब क्या हो रहा है एरिया डिक्रीज हो रहा है 3 square feet से। आप समझ रहे हैं, ये वाला एरिया है जब आप मॉडिफाई कर रहे हो इसको, ये ओरिजिनल एरिया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, फिर एक्स वाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल होने वाला है और हमारे पास बचेगा
टू इधर लेके चले जाएंगे तो वन, यानी माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन, तो बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू निगेटिव वन। ये इक्वेशन वन हो गया। ओके, दूसरा कंडीशन दिया है हमें कि एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 square feet इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 feet। लेंथ यदि आप 1 feet इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रिथ को एज इट इज रख रहे हैं तो पहले वाले से ये ज्यादा हो जा रहा है और कितना है 4 square feet। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए फिर से, एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई कैंसिल होगा यानी वाई इक्वल टू 4। ठीक है, वाई की वैल्यू 4 आ चुकी है, इसमें पुट कर दीजिए तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 वाई यानी माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 4 दैट इज 7। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 7 और वाई की वैल्यू आई थी 4। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया पॉन्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 15 km/h, इट गोज 30 km अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसके लिए मैं ए ज़ूम कर लेता हूँ, ये बी है पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 km। मैं ये भी ज़ूम करता हूँ कि जो स्ट्रीम है उसका डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये है स्ट्रीम का डायरेक्शन। अब हमें पता है कि S इज इक्वल टू वी टी होता है, तो T हो जाएगा S अपॉन V, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड। ओके, तो अब बोट जो है स्टील वाटर में इसकी स्पीड है 15 km/h। ओके, इट गोज 30 km अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज एक्स। ओके, यदि बोट यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो टाइम कितना लेगा, टी वन इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 30, और जाते समय स्पीड एड हो जाएगी 15 plus x। ओके, और आते समय क्या हो जाएगा, टी टू इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है बस दिस टाइम स्पीड एक्स से कम हो जाएगी यानी 15 minus x हो जाएगा। अब इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे, टी वन प्लस टी टू, तो ये दिया है 4 hours 30 minutes दैट इज 9/2 hours। ओके, तो अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, 30/15 plus x प्लस 30/15 minus x इज इक्वल टू 9/2। ओके, अब थोड़ा सा इसमें 30 कॉमन ले लेते हैं बाहर, या इस साइड लेके आ जाते हैं दूसरे साइड, तो आपको मिलेगा 1/15 plus x प्लस 1/15 minus x इज इक्वल टू 9/2 times 30। ऐसा मैंने क्यों किया कि मैं 3 से कैंसिल करना चाहता हूँ, 3 3 जा 9, 3 10 जा 13, तो ये बन जाएगा 3/20, थोड़ा इजी हो गया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 square minus x square, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 minus x plus 15 plus x इज इक्वल टू 3/20। ओके, यहाँ पे फिर x कैंसिल होने वाला है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव x है, और यहाँ से हमको मिलेगा 30/15 square minus x square इज इक्वल टू 3/20। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, 15 square minus x square की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 square minus x square इज इक्वल टू, इसको ऐसे करके करेंगे तो ये हो जाएगा 30/3 times 20। ओके, तो ये हो जाएगा 3 10 जा, यह आ जाएगा 200। ओके, यानी
15 स्क्वायर यानी 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कहीं है, तो इसमें है अ बोट टेक्स 4 आवर्स टू गो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम and it can go 20 km upstream in the same time. Find the speed of the stream and that of the boat in still water. So, iske liye again point A, B or C rakhte hain. Is tarah se ki AC, AC hai 44 km, theek hai, और BC के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ओके। और हम ये भी ज़ूम कर रहे हैं कि स्ट्रीम का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, ओके। अब टोटल टाइम ले रहा है, अ बोट टेक्स 4 आवर्स टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम, यानी 4 आवर्स जाने में 4 आवर्स आने में ले रहा है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जो इक्वेशन बनने वाला है, फिर t इज इक्वल टू s बाई v लगा लीजिए, तो टोटल डिस्टेंस है 44 किलोमीटर। तो इस समय डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू गिवन है 4 आवर्स। दिस इम्प्लाइज x प्लस y is equal to 44 by 4 which is 11। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा दिया है कि अभी अपस्ट्रीम में आ रहा है 20 किलोमीटर, तो उतना ही टाइम लग रहा है, यानी 20 by x minus y is equal to 4। दिस इम्प्लाइज x minus y is equal to 20 by 4 that means 5। तो ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो 2x is equal to हो जाएगा 11 plus 5 that is 16 और x is equal to 8 हो जाएगा, ओके। यदि x 8 है तो हमें y फाइंड आउट करने में कोई इशू नहीं है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए। 8 plus 3 y equals to 3, तो बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी डिसाइड्स टू रन ऑल द टैक्सीज ऑन सीएनजी फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल। द टैक्सी चार्जेस ऑन द सिटी कंप्राइजेस ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर चार्ज इज 129 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 22 किलोमीटर चार्ज इज 210। व्हाट विल द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर। क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि एक फिक्स चार्ज है, यदि आप कैब लेते हैं तो एक रुपीज आपको पे करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपको पर किलोमीटर के डिस्टेंस से पे करना है। मान लीजिए कि आपको पर किलोमीटर वाई रुपीज आप पे करते हो, ओके। तो 13 किलोमीटर के लिए आप पे करेंगे 13y जो कि आ रहा है 129। यही क्वेश्चन में गिवन है, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में आप मिलेगा 22 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हो, तो x प्लस 22y इज इक्वल टू 210। ये आपका दूसरा इक्वेशन। सेकेंड में से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस 1 कर लीजिए तो आपको मिलेगा 9y इज इक्वल टू 81 और y इज इक्वल टू 9, ठीक है। यानी आप पर किलोमीटर 9 रुपीज पे कर रहे हैं। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो x इज इक्वल टू 129 माइनस 13y, 13 टाइम्स 9 और 129 माइनस 13 टाइम्स 9 अप करेंगे तो 117 आएगा और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9 माइनस 2 2 एंड 12 माइनस 11 12, ठीक है, ओके। तो आपको जो फिक्स चार्ज है 12 रुपीज़ पे करना है और पर किलोमीटर 9 रुपीज़ पे करना है।
हमसे पूछा जा रहा है कि 32 किलोमीटर चलने पे कितना रुपीज आप पे करेंगे। तो ये फिक्स चार्ज होगा प्लस 32y होगा, यही हमारा ट्रैवलिंग चार्ज होगा। 12 प्लस 32 टाइम्स 9, ओके। यदि आप इसको कंप्यूट करते हैं तो ये आएगा 12 प्लस 288 विच इज इक्वल टू 300 रुपीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन विद वाई एक्सिस। जो भी लाइन बनेगी उनके वाई एक्सिस से इनक्लोज करने वाले ट्राइंगल को एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एक्स प्लस 3y 6 द गिवन है, इसमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। y इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 6 अपॉन 3। यदि x की जगह पे 3 रखेंगे और 0 तो y की वैल्यू 1 और 2 आएगी, जिससे हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा 3 1 एंड 0 2। 3 और 1 यहाँ पे है और दूसरा है 0 और 2 यहाँ पे है। इनको कनेक्ट कर दीजिए तो रेड कलर की लाइन आपको मिलेगी। दूसरा इक्वेशन है 2x-3y इज इक्वल टू 12। तो इससे आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए जो कि 2/3 ऑफ एक्स माइनस 6 आएगा। यहाँ पे भी x की वैल्यू यदि 6 और 0 में रखूँ तो y की वैल्यू 0 और नेगेटिव 4 आएगा, जिससे आप ऑर्डर पेयर मिलेगा 6 0 एंड 0 नेगेटिव 4। तो 6 0 आपका रहेगा यहाँ पे और 0 और 4 आपको मिलेगा 0 और नेगेटिव 4 यहाँ पे। इनको कनेक्ट कर देंगे तो ब्लू वाली लाइन मिलेगी आपको। क्लियरली आप देख रहे हैं कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है 6,0 पे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन विद y एक्सिस। यानी हमें y एक्सिस का ये वाला पार्ट है और हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करेंगे, इसका बेस ये हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ये वाली हाइट हो जाएगी। तो एरिया हो जाएगा हाफ टाइम्स, बेस को ले लीजिए, ये नेगेटिव 4 और 2, 6 लेंथ है इसका और हाइट हो जाएगी 6, 2 3 जा 6 यानी 18 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x-y+1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x+2y-12 इज इक्वल टू 0। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इस तरह क्वेश्चन 2012 और 17 में पूछा गया है। तो इसके लिए पहले की तरह ही वाई को एक्स के टर्म में लिख लीजिए दोनों इक्वेशन में, और फिर x के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, जिससे आपका फर्स्ट से ऑर्डर पे मिल रहा है 0 1 नेगेटिव 1 0। इससे दो पॉइंट्स मिलेंगे, 0 और 1 आपका होगा यहाँ पे और -1 और 0 यहाँ पे हो गया, इनको कनेक्ट कर लीजिए। दूसरे में पॉइंट्स मिल रहा है 4 0 और 0 6। 4 0 यहाँ पे है और 0 6 यहाँ पे है, इसको मैं बोलूँ ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में ए का वर्टिसेज क्या होगा, एक्स यहाँ पे है 2, वाई कितना है 4, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x-1 y-0 और सी का हो जाएगा 4,0, ये वर्टिसेज हो गया। नेक्स्ट है, अमित बॉट 2 पेंसिल्स एंड 3 चॉकलेट्स फॉर ₹11 एंड सुमित बॉट 1 पेंसिल एंड 2 चॉकलेट्स फॉर ₹7। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 चॉकलेट ग्राफिकली। ठीक है, इसके लिए हम ज़ूम कर लेते हैं कि एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹1 और एक चॉकलेट का कॉस्ट है ₹y। तो अमित ने कैसे बाय किया, 2 पेंसिल के लिए 2x हो जाएगा और 3 चॉकलेट्स के लिए 3y और इनका ऐड करने के बाद मिल रहा है हमें ₹11। सुमित ने बॉट किया 1 पेंसिल एंड 2 चॉकलेट, तो इसके लिए x+2y = 7। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया कि इसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसमें भी एक्स के टर्म में वाई को लिख लेंगे जैसा हमने पहले किया भी है, और इसमें
x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यूज हम फाइंड आउट करना है। तो इसमें फर्स्ट वाले से आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा 4 1 और दूसरे से 1 3। 4 1 कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट है, और 1 3 दैट मीन्स 1 और 3 यहाँ पे आएगा। इसको आप ड्रॉ करके एक लाइन बना दीजिए। यहाँ टेबल में एरर है, x की जगह पर मैं 3 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 7 3 4 और ये आ जाएगा 2 2 4 यानी +2 हो जाएगा, ठीक है 3 2। और x की जगह मैं 5 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 7 5 2 2 दैट इज 1 यानी 5। ये ऑर्डर पेयर करेक्ट है, आप ड्रॉ कर लीजिए 3 2 3 और 2 मिलेंगे आपको यहाँ पे, और 5 1 मिलेगा आपको, 5x = 5 और y = 1 यहाँ पे। इसको फिर कनेक्ट करके एक लाइन मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है x = 1 और 3 पे। तो इनका सॉल्यूशन हो गया x = 1 और 3। तो x = 1 आया, यानी पेंसिल का कॉस्ट है 1 रुपीज और चॉकलेट का कॉस्ट है 3 रुपीज। यह है लास्ट क्वेश्चन। 7x - 5y - 4 = 0 is given. Write another linear equation so that the lines represented by the pairs are intersecting line होनी चाहिए। तो intersecting line कब होती है, जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2। वैसा हम कर सकते हैं आसानी से। मान लीजिए ओरिजिनल इक्वेशन है 7x - 5y - 4 = 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइन करने के लिए जस्ट मैं 7 को मान लो 14x कर देता हूँ और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -10 = 0, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जांपल हो गया जो इंटरसेक्टिंग है। कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2, यानी दूसरी इक्वेशन का जो कोफिशियंट होगा वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। तो यदि आप इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 14x - 10y - 8 = 0, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हो गया। तो ये हो गया आपका कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1 by a2 = b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ठीक है। तो कोफिशियंट को रेशियो में रखिए बट कांस्टेंट टर्म को रेशियो में नहीं रखना है हमें। मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 14x - 10y, तो a1 by a2 = b1 by b2 हो गया। लेकिन अगेन मुझे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है नेगेटिव 4 में, तो मैं यहाँ पे 7 रख के कर सकता हूँ, आप कुछ भी रख लो अदर देन -8। तो ये हो गया पैरेलल लाइन। इस तरह से हमने पूरे चैप्टर कर लिए, जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए थे सभी हमने सॉल्व कर लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए ताकि आप 100% स्कोर कर पाए। नेक्स्ट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। सो प्रैक्टिस करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।